हेलो मैम, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। आई एम परस्यूइंग LLB फ्रॉम यूनिटी लॉ एंड PG कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ एंड एफिलेटेड बाई लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैम, माई क्वेश्चन इज दैट एज माई LLB इज गोइंग टू कम्प्लीटेड इन 1 or 2 months एंड आई एम प्लानिंग टू एनरोल माई सेल्फ इन दिल्ली बार काउंसिल। सो मुझे ये जानना था मैम कि जैसे कि एक अदर स्टेट का पर्सन एक अदर स्टेट में जाकर अगर प्लान करता है अपने आप को एनरोल कराने के लिए, वहां पर प्रिपरेशन करने के लिए, वहां पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या प्रोज और क्या कॉन्स ऐसे होते हैं जो एक पर्सन को वहां पर फेस करने पड़ते हैं? तो बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते हो। जरूर, बेशक आप एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरी स्टेट बार काउंसिल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपनी जो मेंबरशिप है, वो ट्रांसफर करवा सकते हो। पर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, कि हम एट अ टाइम एक ही स्टेट बार काउंसिल में एक ही स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी स्टेट से ट्रांसफर करवाना है तो उस स्टेट, जैसे आपके केस में आपको दिल्ली बार काउंसिल में, यानी कि आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करनी है, तो आप दिल्ली बार काउंसिल के हेड ऑफिस जाओगे और वहां पे आप कुछ जो उनकी फीस होती है वो बैंक चालान से आप पे करोगे। और जैसे बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई 10th 12th की, आपकी जो कॉलेज में जिससे आपने अपना BA LLB या फिर LLB कंप्लीट किया है उसकी प्रोविजनल, या फिर आपकी जो डिग्री है वो आप लेके जाओगे, अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लेके जाओगे। सो इस तरीके के बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे और जो भी आपने अपना AIVE का एग्जाम क्लियर की है उसका आप लेके जाओगे प्रूफ। तो ये सब आप लेके जाओगे उस स्टेट के बार काउंसिल में, तो वहां पे आपका जो है वो हो जाएगा उस जगह पे रजिस्ट्रेशन, बट आप दो जगह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वी ऑल नो दैट आपके पास CS की भी काफी अच्छी नॉलेज है, तो मैं जानना चाहूंगा मैम कि एक CS और लॉ के कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपने करियर को और ज्यादा ब्राइट कर सके और अपनी जो उसके गोल्स है वो उनको और ज्यादा अचीव कर सके। तो मैं इसका यही जवाब देना चाहूंगी कि कोई रूल नहीं है कि आप CS और LLB करें, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप CS जरूर करिए अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसका रीजन यही है कि CS में इन डेप्थ पढ़ाया जाता है हर एक कॉर्पोरेट के एस्पेक्ट को लेके। आजकल के करंट सिनेरियो और आज के जो अपडेटेड लॉज हैं वो CS में पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें आपका ग्रो करने के चांस बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मिनिमम जो CS और LLB करते हैं उनके स्टार्टिंग पैकेज 50,000 to 55,000 पर मंथ होती है, तो इसीलिए आजकल जो कॉर्पोरेट्स हैं वो LLB और CS कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, ताकि वो उनको कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट होने के लिए भी भेज सकते हैं, इन केस अगर कोई भी जो मामला है कंपनी पर आता है या कोई भी अगर केस चलता है तो वो उनको एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। तो आई विल से कि आप प्रेफर कर सकते हो CS अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है।